हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2 वैक्सीन एंड ड्रग्स। क्या कोरोना वैक्सीन निकल चुका है? यस, हाँ निकल चुका है। क्या कोरोना के अगेंस्ट में कोई ड्रग्स निकल चुका है? यस, निकल चुका है। और बहुत खुशी की बात है, हमारे DRDO मतलब हमारे भारत के ही वैज्ञानिकों ने इसके ड्रग्स बनाए हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। मेरे पहले वीडियो जो मैंने कोरोना वायरस के ऊपर बनाया था, उस समय कोरोना के कोई भी वैक्सीन या ड्रग्स डेवलप नहीं हुआ था। तो आज बहुत खुशी की बात है कि एक नहीं, दो नहीं, 16 वैक्सीन डेवलप हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोरोना वायरस के जो ड्रग्स निकला है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल आइडिया लेंगे, मतलब कि वायरस के नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं वायरस होता क्या है? देखिए, ये वायरस ना एनिमल्स में आता है, ना प्लांट में आता है, ना टोटली लिविंग में आता है, ना टोटली नॉन लिविंग में आता है। ये इंटरमीडिएट स्टेज में रहता है, इसका मतलब इन द आउटसाइड मीट एटमोस्फेयर में ये वायरस नॉन लिविंग की तरह काम करता है, मतलब मृत की तरह। और जब ये किसी होस्ट के बॉडी में, यानी कि जिसे ये इन्फेक्शन करता है उसे होस्ट बोलते हैं, मतलब होस्ट के बॉडी में जब ये इंटर करता है तब ये लिविंग हो जाता है, समझ में आया। तो जैसे ये दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बना है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट सेल नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं RNA या DNA। तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं जीन, और इस जीन में ही कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर छुपा रहता है। तो समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं वायरस की डेफिनेशन। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इन्फेक्शन कराता है और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब इसके कोई डेफिनेट सेल नहीं होता है। हैविंग जेनेटिक, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है ना, RNA और DNA। कुछ वायरस होते हैं जिसमें RNA होता है और कुछ वायरस होते हैं जिसमें DNA होता है, और सराउंडेड बाई प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट के द्वारा ये सराउंड करता है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है और कुछ लिपिड यानी कि फैट मात्रा भी होता है, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस। ये देखिए, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड 19 इज ए डिजीज, ओके, एंड स्प्रेड बाय कोरोना वायरस, ओके। तो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उस कोरोना वायरस का नाम क्या है? सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स कोरोना वायरस 1 बहुत पहले हो चुका है, अभी ये सार्स कोरोना वायरस 2। इसका डिफरेंट म्यूटेंट का मतलब डिफरेंट म्यूटेंट कर रहा है ये, मतलब वैरायटी कर रहा है और डिफरेंट स्टेज में ये ग्रो कर रहा है। जैसे कि अभी भारत में सेकेंड लहर चल रहा है, अभी थर्ड लहर मतलब आने के भी चांसेस है। तो देखिए, यही एक कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये है जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो ये देखिए जेनेटिक मटेरियल, तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, इसे आप याद रखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, और ये सराउंड होता है एक प्रोटीन के आवरण से जिसे बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग होता है हमारा क्राउन, मुकुट जो बोलते हैं जिसे, ओके। तो ये एक मतलब क्राउन की तरह दिखता है जो कौन ना स्पाइक प्रोटीन, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया है, और ये जिस वायरस के ऊपर होता है उसे कोरोना वायरस बोला गया। अब समझ में आया, फंडा क्लियर हो गया। तो देखिए, और इसमें एक लिपिड मेम्ब्रेन भी होता है, देखिए ये है उसका लिपिड मेम्ब्रेन, ओके, लिपिड मेम्ब्रेन फैट लाइक। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। तो हमारा वायरस का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए और एक पॉइंट, दीज आर इनएक्टिव आउटसाइड। मैं बता चुका हूं आप लोग को कि ये मतलब एटमोस्फेयर में जब होता है तो ये हमारा नॉन लिविंग कैरेक्टर
पोजेस करता है एंड इट कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, केवल होस्ट के अंदर, माने जिसे इन्फेक्शन कर मतलब ये करता है, ये हमारा ह्यूमन बींग, केवल ह्यूमन बींग नहीं, अदर एनिमल बर्ड्स इसको भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। समझ में आया? तो जब ये होस्ट के अंदर प्रवेश करता है तब ये अपने जेनेटिक मेटेरियल यानी कि डीएनए हो या आरएनए हो को उसको उसे रेप्लिकेट करता, मतलब उसके हजारों करोड़ों कॉपी बनाता है और फिर प्रोटीन बनाता है। तो ये जेनेटिक मेटेरियल, पहले मैं फंडा क्लियर कर रहा हूँ आप लोग का, ये जेनेटिक मेटेरियल जो होता है या आरएनए होता है या डीएनए होता है, इसकी फोटोकॉपी जिसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन होता कहाँ है? न्यूक्लियस के भीतर, सेल में जो होता है ना एक ऑर्गेनल जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर ये सारे काम होता है। उसके बाद ये आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल और डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है ना, इसके जो मतलब ऊपरी सतह का जो मतलब कवरिंग का जो मेटेरियल होता है वो प्रोटीन से होता है। तो ये प्रोटीन कौन बनाता है ना, ये आरएनए, आरएनए के द्वारा प्रोटीन बनता है। लेकिन ये प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री कौन है? हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल, ऑर्गेनल मींस पार्ट ऑफ द सेल, एक ऑर्गेनल है जिसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसे? राइबोसोम बोलते हैं। और ये राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक मेटेरियल आरएनए। ओके, तो डीएनए एक्चुअली आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए से जो जैसे जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये कहां बनता है ना? राइबोसोम में बनता है। तो इसे हम एक वीडियो क्लिप के जरिए आप लोग को बताएंगे किस तरह से हमारा ये कोरोना वायरस हमारा बॉडी में ग्रोथ करता है। और वैक्सीन जो आरएनए वैक्सीन निकला है, मतलब वैक्सीन देखिए मेनली वैक्सीन बहुत तरह का होता है, सब बताऊंगा मैं आप लोग को। उसमें से एक जो नया डेवलप किया गया है वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, ये दुनिया में पहले नहीं था, ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया है। तो इसे हम बताएंगे आप लोग को, डिटेल्स बताएंगे एक वीडियो क्लिप के जरिए। अब आते हैं वैक्सीन क्या होता है। क्या वैक्सीन एक ड्रग है? नो। एक मतलब ड्रग्स का मतलब दवाई। क्या वैक्सीन एक दवाई है? नहीं, वैक्सीन एक दवाई नहीं होता है। वैक्सीन में क्या होता है, उसी वायरस का इनएक्टिव फॉर्म या वीक फॉर्म या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है और ये वैक्सीन हमारा इंजेक्शन के द्वारा या फिर माउथ को बोलते हैं ओरल, माउथ के द्वारा या नोज के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है। और ये करता क्या है ना, ये वैक्सीन जाकर के इसमें वायरस के ही मतलब बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर हमारा बॉडी का इम्यूनो सिस्टम डेवलप करता है। इम्यूनो सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। ओके, तो देखिए वैक्सीन का डेफिनेशन, इट इज ए बायोलॉजिकल एजेंट दैट स्टिमुलेट ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक डिजीज। सब वायरस एक ही तरह का डिजीज नहीं कराते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, HIV एड्स हुआ, ये सब भी वायरल कॉजिंग डिजीज है। डिफरेंट वायरस डिफरेंट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आया? तो ये कोई भी वैक्सीन एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो ये क्या करता है, डिजीज प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज। ओके, देन इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंजेक्शन और ओराली, ओराली का मतलब होता है माउथ। ओके, और इनटू द नोज या फिर नोज के द्वारा ही इस वैक्सीन को बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो समझ में आ गया? तो अभी जो हमारा कोरोना वैक्सीन निकला है तो ये मेनली बहुत तरह का निकला है, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम बताएंगे जो कि बहुत कारगर साबित हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखते हैं। देखिए COVID-19 वैक्सीन, मेनली तीन तरह का वैक्सीन जो कि उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या क्या है। सबसे पहले होता है आरएनए वैक्सीन। देखिए आरएनए वैक्सीन, तो ये आरएनए वैक्सीन में बहुत सारा वैक्सीन है, इसमें से मैं दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन को चुना हूँ जो कि बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। जो एक है फाइजर बायोटेक, ये है USA कंपनी का, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल्स भी पढ़ेंगे, और सेकेंड होता है मॉडर्ना। ओके, उसके बाद नंबर टू, दैट इज कॉल्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन।
तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी वायरल वेक्टर वैक्सीन एक्चुअली है क्या, ओके, जिसके अंतर्गत आते हैं स्पुटनिक वी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो कि कोविशील्ड के ब्रांड नेम से भी चल रहा है, और जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद थर्ड तरह का जो वैक्सीन है दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इसके अंतर्गत तो बहुत सारे वैक्सीन है, लेकिन मैं लिया हूं ये कोवैक्सीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा कोवैक्सीन इज इंडिजिनस वैक्सीन, मतलब हमारे देश में ही डेवलप किया गया है, समझ में आया, तो इसे बोलते हैं कोवैक्सीन। समझ में आ गया। अब देखिए, हमारा कोरोना वायरस का कोई ड्रग्स डेवलप हुआ है क्या? यस, हुआ है। क्या नाम है उसका? द कोविड 19 ड्रग, दैट इज कॉल्ड 2D ग्लूकोज। ये देखिए उसका ये फिगर है, 2 इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म होता है 2-deoxy-D ग्लूकोज। और ये हमारा जो कॉमन ग्लूकोन डी हम लोग खाते हैं पाउडर के फॉर्म में पानी में घोल करके, ये भी उसी तरह का एक पाउडर है, जिसे कि हमारा पानी में घोलकर ओरल मतलब माउथ के जरिए हम बॉडी के अंदर लेते हैं। तो ये बहुत हद तक इफेक्टिव हुआ है, लेकिन इसके बारे में और भी रिसर्च चल रहा है। केवल 220 लोगों के ऊपर ही इसे क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, और DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दवाई यानी कि ये ड्रग्स क्या पहले था? हाँ, ये पहले था। ये हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता था, कैंसर के जो सेल होते हैं उसे ये मार देता था। अब कैसे, क्या इसका मैकेनिज्म के बारे में भी हम डिटेल्स जानेंगे। अब चलते हैं, जो हमारा न्यूली डेवलप्ड वैक्सीन डेवलप किया गया है दैट इज कॉल्ड RNA वैक्सीन। अब देखिए, हमारा जो ये RNA वैक्सीन जो कि हमारा सब मतलब पहली बार निकाला गया है, तो इसे समझने के लिए हम एक वीडियो क्लिप के जरिए आप लोग को बताएंगे, और देखिए आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं वो वीडियो क्लिप की तरफ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग हाउ कोरोना वायरस वैक्सीन वर्क दैट इज नथिंग बट mRNA वैक्सीन। देखिए हमारा कैसे वो वैक्सीन फंक्शन करता है। देखिए ये है कोरोना वैक्सीन, सॉरी कोरोना वायरस, और लिखा गया है कोरोना वायरस। अब देखिए इसके है ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA। तो ये RNA का कॉपी किया जाता है, मतलब ये देखिए ब्लूप्रिंट निकाला जाता है। तो वो RNA जब हमारे बॉडी में जाएगा तो कोई असर नहीं करेगा। ये देखिए इंजेक्शन के द्वारा गया ये फ्रैगमेंट ऑफ RNA मसल्स में, दैट इज इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है। अब निकल गया इंजेक्शन। अब देखिए ये बहुत सारा RNA ब्लूप्रिंट RNA विथ केमिकल हमारा बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब देखिए ये RNA खोजेगा ये कहां पर रेप्लिकेट या फिर बहुत सारा कॉपी बनाएगा, तो उसे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अभी ये न्यूक्लियस की सर्च कर रहा है, अभी धीरे धीरे वो अपना न्यूक्लियस की ओर बढ़ेगा। ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये RNA फ्रैगमेंट अंदर जाएगा। देखिए अभी अंदर जाएगा, ये देखिए अंदर जा रहा है, और ये इसके बहुत सारा कॉपी न्यूक्लियस के अंदर तैयार होगा। ये देखिए कॉपी तैयार हो रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये कॉपी बनने के बाद इस तरह हमारा बहुत सारा सेल है, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, तो बहुत सारा कॉपी इस तरह से आएगा। अब ये RNA से हमारा क्या बनेगा ना, आपका प्रोटीन बनेगा जो स्पाइक प्रोटीन। तो उसके लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। ये देखिए ये है राइबोसोम, तो ये राइबोसोम में बहुत सारा स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया, ओके। ये देखिए स्पाइक प्रोटीन बन गया, तो ये हमारे बॉडी के लिए एक एंटीजन का काम करता है, मतलब बाहरी चीज। तो ये हमारा एक बाहरी प्रोटीन हो गया, तो ये डिटेक्ट करता है कौन, हमारा टी हेल्पर सेल। अभी देखिए आएगा, ये देखिए स्पाइक प्रोटीन बन गया, देखिए स्पाइक प्रोटीन बन गया। तो अब देखिए ये आ गया आपका टी हेल्पर सेल, ओके, इसे रिकॉग्नाइज किया। अब ये मैसेज लेकर के जाएगा कहां ना, देखिए किलर सेल के पास और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल के बाद। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल क्या करता है ना, प्लाज्मा में रहता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया और ये हमारा स्पाइक प्रोटीन में चिपक गया। एक्चुअली ये वायरस हमारा सेल के अंदर जैसे जाता है तो स्पाइक प्रोटीन हमारा सेल में चिपक करके चला जाता है अंदर सेल के अंदर, तो अभी नहीं जा पाएगा। और तो उसके बाद आप लोग वैक्सीनेटेड हो गए। तो ये देखिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ये जो
स्पाइक प्रोटीन होता है ये सेल के हमारा एक रिसेप्टर रहता है, तो ये स्पाइक प्रोटीन होता है जो हमारा सेल के रिसेप्टर के साथ चिपक करके अंदर चला जाता है। अब एंटीबॉडी क्या करता है ना, ये स्पाइक प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, जिसके चलते ये स्पाइक प्रोटीन और रिसेप्टर के साथ चिपक नहीं पाता है, जिसके कारण ये और सेल के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ कैसे ना, हमारा ये वैक्सीनेशन के द्वारा। तो वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपका एंटीबॉडी सडन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए अभी भी आपको वही तीन चीज के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप लोग का वैक्सीनेटेड आप तो हो चुके हैं, अभी भी आपको सोशल डिस्टेंस क्रिएट करना है, फिर क्या होता है, और देखिए मास्क लगाना है और साबुन से लगातार हाथ धोना है। तो सबसे पहले हम आरएनए वैक्सीन के बारे में जानेंगे। तो अभी मैंने आप लोग को वीडियो क्लिप के जरिए समझाने की कोशिश की, तो आई होप सबको आरएनए वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये आरएनए वैक्सीन बहुत मतलब चार पांच होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बता दूंगा, जो कि मतलब अभी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। सबसे पहले होता है फाइजर बायोनटेक कोविड वैक्सीन 19। ओके, तो इसके बारे में देखिए, इज एन mRNA बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ व्हाट, कोमिरनेटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद बायोनटेक इज ए जर्मन कंपनी। बायोनटेक क्या होता है ना, एक जर्मन कंपनी है, कोलाबोरेटेड विथ अमेरिकन कंपनी दैट इज कॉल्ड फाइजर, इसलिए इसका नाम क्या है ना, फाइजर बायोनटेक कोविड 19 वैक्सीन। ये देखिए, ये है उसका फिगर, फाइजर बायोनटेक कोविड 19 वैक्सीन। ओके, अब देखिए वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन रिक्वायर टू डोज, इसके दो डोज एक्चुअली सभी वायरस जो वैक्सीन निकला है इसके दो डोज, पहला डोज उसके बाद कुछ दिनों के बाद सेकेंड डोज लिया जाता है। केवल एक ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, वो बोल रहा है कि मतलब दावा कर रहा है कि उसके एक ही वैक्सीन काम कर सकता है, लेकिन इसके बारे में भी फिर रिसर्च चल रहा है। तो देखिए अभी, एंड वैक्सीनेशन रिक्वायर टू डोज गिवन 3 वीक अपार्ट, 3 सप्ताह के मतलब जैसे पहला डोज लग गया, 3 वीक के बाद सेकेंड डोज लगेगा। अब देखिए, दिस वॉज ए फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन टू बी ऑथोराइज बाय द स्ट्रेग्नेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इमरजेंसी यूज। ये फर्स्ट वैक्सीन दुनिया का था जिसे हमारा स्ट्रेग्नेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इमरजेंसी के यूज के लिए मतलब ऑर्डर दिया। तो ये हमारा नेशनल अथॉरिटी सेंटर होता है जो कि वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर देता है। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, उसके बाद सेकंड होता है हमारा, सेकंड आरएनए वैक्सीन दैट इज कॉल्ड मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन। ओके, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज एन आरएनए वैक्सीन, ये भी एक आरएनए वैक्सीन है, डेवलप बाय मॉडर्ना। इज एन मॉडर्ना क्या है ना, इज एन अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ओके, उसके बाद देखिए, इट इज यूज्ड इन पीपल एज एट 18 इयर्स एंड ओल्डर, 18 साल से ऊपर के, 18 साल और 18 साल के ऊपर के इंसानों को ये वैक्सीन दिया जाता है। इट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के जरिए दिया जा रहा है, एंड 2 डोज रिक्वायर एट द इंटरवल ऑफ व्हाट, 4 वीक, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये तो mRNA वैक्सीन चला गया। अब चलते हैं, उसके बाद आ गया आपका स्पुटनिक भी कोविड 19 वैक्सीन, ये रशियन वैक्सीन है। अब देखिए, ये जो है, ये है देखिए, इट इज एन एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन। अच्छा, mRNA वैक्सीन के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, अब ये क्या होता है, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म है देखिए, वेक्टर। तो ये वेक्टर बायोलॉजिकल वर्ड में भी आता है और फिजिक्स में भी इसे बोला जाता है। तो फिजिक्स में वेक्टर मतलब क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, जैसे कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी दैट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से बायोलॉजिकल वर्ड में वेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड वेक्टर, जैसे कि हमारा मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ से होता है जिसके नाम होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन कैरियर कौन है, मॉस्किटो, तो मॉस्किटो हुआ हमारा वेक्टर। समझ में आया? ये हो गया हमारा वेक्टर। तो
वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, देखिए यहां पर हम ऐसे एक लेते हैं वायरस जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो वायरस उसके तरह दिखता है लेकिन वो उस डिजीज के कॉजिंग वायरस नहीं होता है। जैसे कि देखिए हमारा कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन हमारा एडिनो वायरस एक लिया जाता है जो कि हमारा सिंपल कॉमन कोल्ड करता है, जो कि हमारा फैटल नहीं है, इससे इंसान मरता नहीं है, तो वो एडिनो वायरस लिया जाता है वीकेंड फॉर्म में, समझ में आया, और इंजेक्शन के जरिए हमारा बॉडी में डाल दिया जाता है। अब जो एडिनो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है राइबोसोम में ये गया और स्पाइक प्रोटीन बना दिया, तो वो स्पाइक प्रोटीन किसके तरह होगा, कोरोना वायरस की तरह होता है, जो कि हमारा जो अभी पैंडेमिक चल रहा है सार्स कोरोना वायरस 2 उसके स्पाइक प्रोटीन की तरह वो दिखता है। लेकिन उस ये जो स्पाइक प्रोटीन बन रहा है ये कोरोना वायरस नहीं करा रहा है, ये उस मतलब एडिनो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है जो कि कोरोना वायरस की तरह दिखता है, कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन उसके तरह दिखता है, तो ये हो गया क्या वेक्टर, समझ में आ रहा, तो ये वेक्टर के तरह हो रहा है इसलिए इसे बोलते हैं वेक्टर वायरल वैक्सीन। ओके, तो जब ये स्पाइक प्रोटीन बन गया हमारे बॉडी में तो इसी तरह से टी हेल्पर सेल इसे रिकॉग्नाइज किया और मैसेज दिया किलर सेल को जो कि हमारा जर्म्स को किल करता है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को क्या किया, सूचित कर दिया, मतलब स्टिमुलेट कर दिया। अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल कहाँ है, हमारा प्लाज्मा में, जो कि बहुत सारा एंटीबॉडी बना दिया, समझ में आया, तो एंटीबॉडी बनाने के बाद ये हमारा बॉडी में स्टोर होके रह गया। अब जब सच में कोरोना वायरस इंटर किए हमारे बॉडी में इन्फेक्शन किए, तो ये जो एंटीबॉडी हमारा तैयार होके है बॉडी में, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा ना, हमारा ये सच का जो हमारा जो स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि कोरोना वायरस का, उसमें चिपक जाएगा, जिसके चलते ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन और सेल के रिसेप्टर से नहीं चिपक पाएंगे और ये सेल के अंदर घुस नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक ये मर जाएंगे, समझ में आया, यही तो है वैक्सीन, तो ये हमारा क्या है वायरल वेक्टर वैक्सीन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला आता है देखिए स्पुटनिक वी COVID-19 वैक्सीन। ओके, देखिए इट इज डेवलप्ड बाय द गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी रशिया। ओके, दिस इज ए रशियन वैक्सीन, बहुत ही कारगर, अभी हमारा इंडिया में भी ये वैक्सीन आने वाली है क्योंकि इंडिया में बहुत ह्यूज अमाउंट पॉपुलेशन रहते हैं, तो इसे मतलब कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो स्पुटनिक हमारा तो रशिया हमारा बहुत ही मित्र देश है, तो ये स्पुटनिक वी वायरस वो भारत में भेजेगा और भारत में खुद मतलब इसके निर्माण भी होगा, तो समझ में आया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 18th अगस्त 2020 बाय द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज ए गैम कोविड वैक, इसके पुराना नाम है स्पुटनिक वी COVID-19 वैक्सीन का पुराना नाम है गैम कोविड वैक वैक्सीन। ओके, अब चलते हैं, ये देखिए हमारा स्पुटनिक भी कोरोना वायरस वैक्सीन। ओके, चलते हैं आगे, जो वैक्सीन है वो भी हमारा वेक्टर वायरल वैक्सीन है, उसका क्या नाम है ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन। ओके, तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, इट इज ए वायरल वेक्टर वैक्सीन एंड सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कोविशील्ड। तो हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन हो रहा है किसके हो रहा है ना, कोविशील्ड। ओके, और उसके और भी एक ब्रांड नेम है, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम होता है वैक्स जेवरिया। ओके, नाउ इट वॉज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड एस्ट्राजेनेका। ओके, एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ, पुणे में है, तो ये दोनों मिल करके ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किए हैं, समझ में आया। तो इसका ब्रांड नेम दो है, एक होता है कोविशील्ड और एक होता है क्या है वैक्स जेवरिया। ओके, उसके बाद आता है जो हमारा अभी कोविशील्ड सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, अभी थ्रू आउट वर्ल्ड में कोविशील्ड का डिमांड बहुत है, समझ में आया, ऐसे सारे वैक्सीन हमारे काम के होते हैं, सारे वैक्सीन अच्छे हैं, तो ये कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि कौन वैक्सीन खराब है कौन वैक्सीन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे वैक्सीन हमारे लिए उपयोगी होता है, केवल इसका ब्रांड नेम और अलग अलग कंट्री से डेवलप किए हैं इसलिए इसका नाम अलग अलग है। अब देखिए
उसके बाद आता है जॉनसन एंड जॉनसन कोविड 19 वैक्सीन। इट इज ऑल्सो ए वायरल वेक्टर वैक्सीन। देखिए, इट इज ए वायरल वेक्टर वैक्सीन डेवलप्ड बाय द जॉनसन्स वैक्सीन इन लेडन नेदरलैंड में, जो कि नेदरलैंड में है, और जॉनसन फार्मास्यूटिकल जो कि हमारा बेल्जियम में है, और विद द सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन कंपनी दैट इज कॉल्ड जॉनसन एंड जॉनसन, तीनों मिल करके ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किए हैं। तो ये सब आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, सबको ये चीज पता नहीं होगा। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए, ये है हमारा कोविशील्ड और ये है जॉनसन कोविड 19 वैक्सीन। ओके, चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा इंडिजेनस वैक्सीन आ गया जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम आपको एमआरएनए वैक्सीन के बारे में बताया, वायरल वेक्टर वैक्सीन के बारे में बताया, अब देखिए इनएक्टिवेटेड वायरस क्या होता है। इनएक्टिवेटेड वायरस मतलब उसी कोरोना वायरस का डेड फॉर्म। जब इसे हमारा बॉडी में दिया जाता है तब सिमिलरली इसके एमआरएनए प्रोड्यूस करता है क्या, बहुत सारा स्पाइक प्रोटीन जो कि वीक होते हैं, तो इसके मतलब सेम चीज एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ये वायरस हमारा कुछ इफेक्ट नहीं करता बॉडी को, बिकॉज इट इज ए इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। लेकिन अब हमारे बॉडी में बहुत सारा, इसके चलते हमारे बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडी डेवलप होकर के रह चुके हैं। जब सच में कोरोना वायरस अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी, सेम थिंग, एंटीबॉडी ये स्पाइक प्रोटीन में चिपक जाएगा, जिसके चलते वो स्पाइक प्रोटीन, किसका, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन हमारा सेल के रिसेप्टर से नहीं चिपक पाएंगे और वो मर जाएंगे, तो हमें कोरोना नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो देखिए अभी ये कैसे डेवलप किया गया है। डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, जो हमारे इंडिया में है, इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो इस दोनों मिलकर के हमारा इंडिजेनस वैक्सीन दैट इज कॉल्ड कोवैक्सीन ये डेवलप किया गया है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सारे वैक्सीन के दो डोज लिए जाना है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन जो होता है, जो अभी पढ़ाया आप लोग को, तो वो क्या है ना, वो ये दावा कर रहा है कि उसके एक ही डोज काफी है, लेकिन इसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है। ओके, हम श्योर नहीं कर सकते हैं आप लोग को। अब चलते हैं एंटी कोविड ड्रग की तरफ। तो बहुत खुशी की बात है कि इसके ड्रग्स भी डेवलप किया गया है जो कि हमारा इंडिया में ही डीआरडीओ के द्वारा। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा सा, दैट इज एंटी कोविड 19 ड्रग, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड डीसीजीआई, यही जो होता है ये हमारा ड्रग्स को लाइसेंस प्रदान करता है, इज गिवन इमरजेंसी यूज ऑफ अप्रूवल टू डीऑक्सीडीग्लूकोज, यही नाम है ये कोरोना वायरस के ड्रग्स के नाम, तो उसके शॉर्ट फॉर्म होता है 2DG, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एंटी कोविड ड्रग डेवलप, किसने डेवलप किया गया है, मतलब किसने डेवलप किया है, देखिए दैट इज डेवलप्ड बाय INMS, ये एक लैब है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। किसका लैब है ना, डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और विथ कोलैबोरेशन, ये जो लैब है डीआरडीओ का, ये किसके साथ कोलैबोरेशन करके ये ड्रग्स निकाला है, तो देखिए कोलैबोरेशन विथ डॉक्टर रेडिस लैब हैदराबाद। समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ, ये एक्चुअली ये ड्रग्स क्या है और कैसे काम करता है। अच्छा, क्या ये ड्रग्स नया ड्रग्स है, नहीं, ये ड्रग्स पुराना ड्रग्स है। ये ड्रग्स यूज किया जाता है हमारा कैंसर सेल को किल करने में, कैंसर के डिजीज में इसे यूज किया जाता है, लेकिन अभी कोरोना के डिजीज में भी ये काम कर रहा है। अभी तक 220 पेशेंट के, मतलब कोरोना जो पेशेंट है उसके ऊपर ये रिसर्च किया गया है, डिजीज से बाहर आ चुके हैं। समझ में आया। इवन ओल्ड पेशेंट, जो मतलब ओल्ड लेडी के ऊपर भी ये रिसर्च किया गया, वो कोरोना, मतलब वो ओल्ड लेडी भी कोरोना से मुक्त हो गई। ओके, अब देखिए ये हमारा काम क्या करता है, ये क्यों, कैसे अफेक्ट करता है। देखिए हमारा कोई भी हम काम करते हैं, हमारे हर काम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी देता है कौन ना, ग्लूकोज। समझ में आया। तो थोड़ा सा मतलब फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है, ये मेडिसिन कैसे काम करता है। देखिए हमारा ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है कैसे, देखिए ग्लूकोज हमारा सेल के भीतर जाता है, सेल के भीतर जैसे ग्लूकोज गया
तो ये सेल के भीतर जाने के बाद दैट ग्लूकोज, देखिए ये दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है कहाँ, किसमें, ना पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट में, ये कंपोनेंट है। और ये पाइरूवेट हमारा सेल, एक सेल के कंपोनेंट होता है, सेल के एक ऑर्गेनल जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ये पाइरूवेट हमारा एक साइकिल होता है जिसे बोलते हैं क्रेब साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस प्रोसेस के जरिए हमारा एनर्जी निकलता है। समझ में आया? तो ये है हमारा बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज। मैं इसे क्यों बोला, क्योंकि ये भी देखिए, ये डी ऑक्सी, देखिए ये डी ऑक्सी डी ग्लूकोज भी एक ग्लूकोज ही है, समझ में आया, लेकिन ये इनहिबिटर के तरह काम करता है। क्या इनहिबिटर, देखिए हमारा जैसे ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, उसी तरह से हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। ओके, इसके बाद नॉर्मल केस में क्या होता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, देन पाइरूवेट, देन क्रेब साइकिल होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो 2-deoxy-D ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, इट इज एन इनहिबिटर, मतलब ये क्या करता है, फर्दर प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। जैसे ही फर्दर प्रोसेस स्टॉप हो गया, एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। अब एनर्जी अगर वायरस को नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकता है। तो ये है खासियत इस मेडिसिन की, समझ में आया, ये जब दिया जाता है तो एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाता है, जिससे मतलब वायरस की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। उसी तरह से कैंसर में भी ये काम आता है। कैंसर सेल क्या होता है, रिपीटेडली डिवीजन होता है, समझ में, मतलब अनकंट्रोल। तो ये मेडिसिन देने के बाद क्या होता है ना, एनर्जी का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो कैंसर सेल फर्दर डेवलप नहीं हो पाते हैं, कैंसर वहीं पर स्टॉप हो जाता है। समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस मेडिसिन। लेकिन ये 100% अभी कारगर नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में और भी रिसर्च चल रहा है। समझ में आया? तो इसके बहुत थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता हो, मतलब हार्ट के बीमारी होने का चांसेस होता है, इसलिए ये मेडिसिन अभी, मतलब ये हमारा किसी भी दवाई की दुकान में ये आपको नहीं मिलेगा, ये केवल कुछ हॉस्पिटल में ही रखा गया है। समझ में आया? नियर अबाउट 10,000 ऑफ दिस मेडिसिन स्पेसिमेन अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अभी और भी डिलीवरी करने की संभावना है। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया कोरोना की वैक्सीन के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन एंड हमारा कोरोना ड्रग्स की। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर सच में पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।